ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਫਾਸਟਵੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਖਬਰਨਾਮਾ ਮੈਂ ਆ ਦੇਵੀ ਕਾ ਜੈਨ ਤੇ ਹੁਣ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਅੱਜ ਦੇ ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਖਬਰਾਂ ਵੱਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਸਾਂਸਦ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਸੱਚਖੰਡ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਹੋਏ ਨਤਮਸਤਕ गुरुद्वारा शहीदां साहिब दे नेड़े 60 करोड़ रुपए दी लागत नाल बनन वाले स्काई वॉक प्रोजेक्ट दा स्थानक सरकारा बारे मंत्री डॉक्टर इंद्रबीर सिंह नेचर ने रख्या नींव पत्थर। पेंडू विकास मंत्री कुलदीप सिंह तालीवाल ने अशनाला विच विकास कार्यां दा कीता शुभारंभ। श्रोमणी अकाली दल दे प्रधान अते सांसद सुखबीर सिंह बादल अते उन्हां दी धर्मपत्नी सांसद हरसिमरत कौर बादल सचखंड श्री हरिमंदर साहिब विखे नतमस्तक होए अते उन्हां ने अकाल पुरख दे चरणा विच हाजरी भरी। इस तों बाद पत्रकारां नाल गलबात करदिआं सरदार सुखबीर सिंह बादल ने पंजाब सरकार तों मंग कीती कि पंजाब विच बरसात नाल खराब होईआं फसलां लई किसानां नूं तुरंत मुआवजा पंजाब सरकार वल्लों दित्ता जावे। कुदरती आपदा दा हवाला देंदिया उन्हां आख्या कि पंजाब सरकार केंद्र सरकार पासों सहायता लवे अते किसाना उन्हां दा बनदा मुआवजा देवे। सरदार सुखबीर सिंह बादल ने आख्या कि पंजाब सरकार हर पासों फेल साबित हो रही है। श्रोमणी अकाली दल बादल पंजाब दे लोकां दे हक्कां दी लड़ाई लड़ रहे है अते लोकां दे हक्कां दी राखी लई वचनबद्ध है। पिछले दिनां च बहुत ज़्यादा मीह गड़े ते तूफान पंजाब दे विच आया। पिछले दो तीन दिनों मैं पंजाब के कई पिंड जिले जाके आया। फसल मैं लगता है पूरे पंजाब अप्रोक्सीमेटली 50-60% कणक की फसल तो मैं लगता खराब हुई है। बहुत वड्डा नुकसान किसानों का होया, गरीबों का होया, जिन्हों के कई घर भी डिग पे है। सो अज मैं थोड़े राही पंजाब सरकार को कहना चाहना है कि अपनी जिम्मेवारी संभालन, इमीजिएटली घट तो घट 50,000 रुपया एकड़ मुआवजा इमीजिएटली रिलीज करन। कल्ले बयान दे ना नहीं सरना, पिछले दो फसलों बहुत वड्डा नुकसान होया, नरमे का नुकसान भी होया ते झोने च भी नुकसान होया सी। ऐलान कर देंदे गरदौरियां दा पर पैसे हले तक नहीं आए, ना पिछली नरमे दे पैसे आए है ना झोने दे आए है, हुण तीजी फसल हो गई है। सो मैं आई बेनती करदा बयान की बजाए इमीजिएटली पैसा रिलीज़ कर, क्योंकि किसान कोले हुण कोई पैसा नहीं है, जे अगली फसल बीजनी है उन्हूं पैसे की। गुरुद्वारा शहीदां साहिब दे नाल लगभग 60 करोड़ रुपए की लागत नाल स्काई वॉक प्रोजेक्ट का नींह पत्थर रखदिआं स्थानक सरकारां बारे मंत्री डॉक्टर इंद्रबीर सिंह नेचर ने कहा कि इस प्रोजेक्ट के मुकम्मल होने नाल श्रीदा साहिब दे दर्शनां लई आउण वाली संगतां वड्डी राहत मिलेगी। उन्हां कहा कि रोजाना 50 तों 60 हज़ार के करीब संगतां गुरद्वारा श्रीदा साहिब दे दर्शनां लई आउंदियां हन। संगतां नूं गुरद्वारे जाण लई सड़क पार करनी पैंदी है, जिस नाल ना सिर्फ असुविधा हुंदी है इस नाल आवाजाई विच भी जाम भी हुंदा है। इस प्रोजेक्ट विच मल्टीपल फुट ओवर ब्रिज, स्काई वॉक प्लाजा, गुरद्वारा श्रीदा साहिब दे सामने पैदल यात्रियों लई ढुकवीं क्रॉसिंग सहूलियत दे तौर ते पैदल चलन अते पिकअप पॉइंट शामिल हैं। इस मौके विधायक जीवनजोत कौर, विधायक डॉक्टर अजय गुप्ता, कमिश्नर संदीप ऋषि, एससी संदीप सिंह, एससीओ अनुदीपक सिंह, एससीएम मनप्रीत सिंह, पवन वर्मा, सुरभि वर्मा समेत कई लोग मौजूद सन। इतने असि शहीदा साहब सामने जो इतने पार्क हैगा जो सकत्री बाग कहने आप उद्घाटन कर रहे हैं अज एक स्काई वॉक का जी इतों शुरू होएगी, चौंक तक जाएगी, शहीदा साहब चौंक तक, उतों फिर परन मुड़ जाएगी और जिते पार्किंग है उतें खत्म हो जाएगी जाके। सो ये दोवें साइडा तो इस साइड भी तो परले बन्ने भी 5-5 लिफ्टां लगनगियां, 5-5 एक्सकलेटर लगनगे तो 5-5 पौड़ियां बनगियां और बहुत सोहनी स्ट्रक्चर बनाया गया। स्टेनलैस स्टील का सारा स्ट्रक्चर है, जेडे उत्ते शीट्स लगनियां ने सारी प्री फैब्रिकेटेड ने और जरा डिज़ाइन है बिल्कुल जिस तरह गुरुद्वारा साहब का आर्कीटेक्चर होंगे उस तरह का, वह जो खिड़कियां ने गोल्डन रंग दियाँ।
सो बिल्कुल ध्यान रखा गया कि ये गुरुद्वारा साहब के मर्ज कर जाए, मतलब बच्चे एक किस्म का हो जाए कि स्टैंड आउट ना करे कि चीज़ को अलग खड़ी है। और बड़ी लंबी उम्र है यदि 100 साल तो उपर की उम्र है। गुरुद्वारा शहीद साहब के नज़दीक चाटीवेंट चौंक जो है जिन्होंने कहें असी उस एफ ओ बी स्काई वॉक प्रोजेक्ट जो है अमृतसर स्मार्ट सिटी लिमिटेड वालों म्यूनसिपल कारपोरेशन दिता गया से वह अज उद्घाटन मानयोग स्थानक सरकार के मंत्री साहब डॉक्टर इंद्रबीर सिंह निजर जी वालों किया गया है। बड़ा वधिया प्रोजेक्ट है, ये आस पास के ट्रैफिक कंजेशन से जी वो भी खत्म होएगी। पेंडू विकास मंत्री कुलदीप सिंह धालीवाल ने अजनाला के नाल लगते पक्का हरी सिंह और अजनाला शहर सीवरेज के कामों की शुरुआत की। उन्होंने लोगों दश्किल सुनिया तो इन्हों के हल का भरोसा दिता। उन्होंने आख्या कि अजनाला के विकास कार्य तेजी जारी हैं और इन्होंने कोई कमी नहीं आ दी जाएगी। नाले शहर जो बरसाती पानी आ साफ संभाल वास्ते नाले जोड़े बनाने शुरू कर रहे हैं, वह जो नींह पत्थर रखा उद्घाटन जो किया और ही पख्या एक छप्पड़ है बड़ी वीडी पुरानी उन्होंने समस्या सी वो छप्पड़ का भी जोड़ा नींह पत्थर रखा वह भी अगले दिन बन के तैयार हो जूगा। बस मैं तुम्हें यही दसना चाहता कि अजनाले जोड़ा पिछले 25 साल तो नरक पिया नरक अगले 2-3 महीनों ठीक हो जा रहा। बिजली मंत्री हरभजन सिंह ईटीओ ने जंडियाला गुरु के पिंडों का दौरा करके किसानों नाल मुलाकात की, बेमौसमी बरसात नाल फसलों के हुए नुकसान का जायजा लिया। उन्होंने आख्या कि किसानों के नुकसान की पंजाब सरकार पूर्ति करेगी। पिछले दिनी पंजाब दे विच बेमौसमी बरसातां दे कारण काफ़ी जगह पर जड़े आ वह फसलों का नुकसान होया, सो इहदे करके काफ़ी जड़े साढ़े किसान भरा ने उन्हां दा काफ़ी फसलां नुकसानियां गईयां ने। होर भी कणक तों इलावा होर भी फसलां जां बागां दे भी नुकसान होए ने। कई जगह पर देखण दे विच आया कि घरां दे विच भी काफ़ी नुकसान होए ने इन्हां बरसातां करके। साढ़े माणयोग मुख्यमंत्री सरदार भगवंत सिंह मान साहब ने स्पैशल गिरदावरी के हुक्म जड़े ने वो दे दिते ने। आने वाले एक हफ्ते दे विच गिरदावरी जड़ी आ वो कर ली जाऊगी। सो जिन्हें भी नुकसान होए ने वख वख थावां ते फसलां ते सरकार पूरी कोशिश करूगी कि असी जड़ी आ इहदी भरपाई जड़ी आ वो किसी ना किसी रूप दे विच जरूर करिए। जिला भारतीय जनता पार्टी अमृतसर शहरी दे दफ्तर विखे जिला पदाधिकारियों की मीटिंग नूं भारतीय जनता पार्टी के जनरल सकत्तर तरुण चुग ने संबोधन किया अते संगठन बारे वक-वक विषयां ते चर्चा की गई। प्रभारी प्रवीण बंसल, राजेंद्र मोहन सिंह चीना, साबका मंत्री डॉक्टर बलदेव राज चावला, जिला प्रधान हरविंदर सिंह संधू समेत कई नेता मौजूद सन। अज भारतीय जनता पार्टी जिला प्रधान संधू साहब की लीडरशिप च मीटिंग हुई है जिसके अंदर पार्टी ने और किस तरह संगठित करना है, किस तरह मजबूत करना है, पार्टी के जिहड़े नवे मंडल प्रधान बने ने, डिस्ट्रिक्ट ऑफिस प्रधान बने ने, मोर्चा प्रेजिडेंट बने ने, उन्होंने इंट्रोडक्शन भी रखी सी और अगों किस तरह काम करना है पूरी तैयारी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी चुनाव च काम करने वाला दल नहीं है, निरंतर लगातार काम करने वाला दल है। और भारतीय जनता पार्टी समाज सेवा नूं सामने रख के, नेशन फस्ट नूं सामने रख के काम करने वाला दल है। ऐसे जो भारतीय जनता पार्टी हर बूथ ते मजबूत होवे और असीं अज इत्थे मीटिंग च चर्चा। स्थानक सरकारां बारे मंत्री डॉक्टर इंद्रबीर सिंह ने चरने UBDC प्रोजेक्ट अधीन तारा वाला पुल दे नेड़े ब्रिटिश काल दौरान बने एक हाइड्रो पावर प्लांट दे नाल एक वधिया पिकनिक स्थान दा उद्घाटन कीता है। इस नूं पिकनिक, कसरत, बच्चियां लई झूले, ओपन जिम, रंगीन रोशनी अते सुंदर बागबानी नाल सजाया गया है। उन्हां दस्सिया कि स्मार्ट सिटी मिशन तहत करीब 5.5 करोड़ रुपए की लागत नाल करीब 3.5 एकड़ जमीन ते मिनी कंपनी गार्डन बनाया गया है जो कि लोगों लिए खिच का केंद्र बनया होया है। इस मौके पर विधायक जीवनजोत कौर, विधायक डॉक्टर अजय गुप्ता, कमिश्नर संदीप ऋषि, SC संदीप सिंह, SDO अनुदीपक सिंह, OST सरदार मनप्रीत सिंह समेत कई लोग मौजूद सन। अपर बारी तो अपना लोअर मेन ब्रांच जी सज्जे बने निकल के जा रही है, ये जदों अंग्रेजों का राज सीगा उदों इत्थे बनाया गया सीगा, एक बिजली घर बनाया गया सीगा। सो अज भी असीं जिहड़ा नूं इनॉगरेट कर रहे हैं मैडम जीवनजोत कौर जो MLA ने ईस्ट तों, ते असीं इनॉगरेट कर रहे हैं कीता इहनूं अज। इहदे च इहनूं स्मार्ट सिटी तहत लिया गया और जिस तरह साडी इंडस्ट्रियलाइजेशन सीगी, इह वी इंडस्ट्रियलाइजेशन दा इक पार्ट सीगा ना,
तो जिहड़ियां मशीनां उन्हां दिनां च आईआं सी स्विट्जरलैंड तो आईआं सीगियां तो इंग्लैंड तो आईआं सीगियां और शहर नूं बत्ती सप्लाई करदा रहा हरिमंदर साहब नूं बत्ती इत्थों जांदी सीगी उदों जांदी सी तो बड़े चिर तां डिसयूज़ पिया सीगा तो फिर सोचा गया कि इहनूं क्यों ना सोहणा बना के बड़ी सोहणी टूरिस्ट अट्रैक्शन आती वेखो ना किहड़ी सोहणी टर्बाइनस पईआं अंदर वेख के रूह खुश हुंदी आ तो बैंड नूं जगह बणी है हॉर्टीकल्चर बड़ा सोहणा कीता है इहदा सी उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट भी कर लिया 3 साल का कि मेनटेनेंस जी वो पे करेंगे मेनटेन करना कई बार चीज़ में औखा हो जाता तो अपर बारी दुआब नाल जी है भी अंदर देखो काफ़ी गंदी है दरख्त उगे ने बूटे उगे ने घा उग गया थले मिट्टी कट्ठी हो गई है ये भी प्रोजेक्ट तैयार हो गया सो ये प्रोजेक्ट में असी सारी नहर पक्की करके और इटा लगी हुई ने लेकिन अभी पक्की करा थलो सारा साफ करा और आले दुआला बहुत सोहना बनावांगे असी सारे हलका निवासियों वालों मंत्री साहब का धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने सानू एक हल्के दे विच एक बहुत सोहनी जगह दिती है जिथे एक टूरिस्ट अट्रैक्शन तो है ही है पर मेरे ख्याल एक वॉक करन दे लई इवनिंग दे विच या अर्ली मॉर्निंग साढ़े हल्के दे विच बहुत एक वधिया जगह रहेगी। भारतीय जनता पार्टी के नवाकोट मंडल वालों कार्यक्रम का आयोजन किया गया बीजेपी के जनरल सकत्तर तरुण चुग उचेचे तौर पर मौजूद सन इस मौके पर कई लोग बीजेपी विच शामिल हो गए राजेंद्र मोहन सिंह चीना प्रदीप सरी लविंदर बंटी विकास गिल समेत कई लोग मौजूद सन। भारतीय जनता पार्टी केंद्रीय विधानसभा के नवाकोट मंडल का एक बहुत बड़ा कार्यक्रम प्रदीप सरीन जी ने अध्यक्षता होया जिहदे विच पार्टी के अंदर बहुत लोग शामिल किए गए हैं और खास तौर पर अज के इस प्रोग्राम के हीरो साडा बहुत तगड़ा साथी है मेरा तो भतीजा ही है विकास गिल। मैं खुद इन्ना खुश हाँ कि गोपाल जी वर्गा एक तगड़ा साथी बीजेपी शामिल होया लविंदर बंटी जी इन्हों को लैके गए थे मैं 2012 के इलेक्शन इन्होंने मेरी उदो मदद की थी तो मैं उस इलाके जितया परिवार ने जेडे इस इलाके की हार्ट लाइन है मैं सारिया का भारतीय जनता पार्टी स्वागत करना और हूँ भारतीय जनता पार्टी 117 दी 117 विधानसभा लड़ेगी 13 दी 13 लोकसभा लड़ेगी। अमृतपाल के गिरफ्तार हुए 10 साथियों पुलिस ने अजनाला अदालत में पेश किया है। अदालत ने मामले में सुनवाई करदिया दोषियों 6 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में भेज दिता है जबकि एक होर व्यक्ति सुखप्रीत सिंह 4 दिन के पुलिस रिमांड से भेज दिता गया है। स्थानक सरकारा बारे मंत्री डॉक्टर इंदरबीर सिंह निचर ने विधान सभा केंद्रीय हल्के दे अधीन पैंदे इलाके फतेहपुर विखे स्मार्ट सिटी तहत 5 करोड़ रुपए की लागत नाल बने मलबा प्रोसैसिंग प्लांट का उद्घाटन किया है। उन्होंने आख्या कि शहर अंदर रिहायशी ते कमर्शियल निर्माण दौरान निकलन वाला मलबा CNT प्लांट तक पहुंचान ते कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा। उन्होंने दस्या कि सड़कों के आले दुआले मलबा सुटन ते चलान किए जाएंगे अते इस मलबे नु इस्तेमाल करके दोबारा निर्माण कार्यों लई वरत्या जा सकेगा। इस मौके पर विधायक डॉक्टर अजय गुप्ता कमिश्नर संदीप ऋषि SC संदीप सिंह समेत कई अधिकारी अते लोग मौजूद सन और पहला से उद्घाटन किया इतने आके CNT प्लांट का जिन्होंने असं कंस्ट्रक्शन एंड डेमोलिशन वेस्ट कहने सो जी वेस्ट आँदी है शहर से कंस्ट्रक्शन जो करते हैं या कोई चीज़ बिल्डिंग पुरानी तोड़ते हैं वो पत्थर पुत्थर वो कंक्रीट के स्लैब जोड़े होंगे खिलरे रह जाते शहर से तो सारे चुक के लिया इतने लिया जाएंगे इतने लिया के उन्होंने तोड़ के रेत बनाया जाएगा तो रेत तो फिर टाइल बनाने असं काम से लैके आवेंगे होर किसी काम से लैके आवेंगे। यदि कॉस्ट जी है 5 करोड़ रुपया तो ये बिल्डिंगा की कॉस्ट भी है अर्ध दीवार की कॉस्ट है प्लस मशीनरी जी लगी वो कॉस्ट आ ये नाल नाल असीं उद्घाटन कर जा रहे हैं अगले बन्ने जाके एक वेटनरी हॉस्पिटल का सो वेटनरी हॉस्पिटल असी अलॉट करा लिया तो अलॉट हो चुका ऑलरेडी असी सिर्फ वेट कर रहे हैं कि सानू डॉक्टर और फार्मासिस्ट मिल जाए उन्हें मिलते सार ही असी CNT की जी जो खड़े कंपलैक्स इन्होंने को 2 कमरे लैके तो उसे हस्पताल शुरू टैंपरेरी शुरू कर देना आप क्योंकि डेयरी फार्म जरा लागे आ उसे काफ़ी सारे पशु है जरा नवा हॉस्पिटल बन रहा वो 2.85 करोड़ की लागत आनी है जिसे हस्पताल ही बनेगा वो एक डॉग स्टरलाइजेशन जो कुत्तों असी खसीकरण का प्रोग्राम बनाने सो वो भी बनेगा प्लस कैनल्स बन गई जिते कुत्ते ऑपरेट होकर रखे जाएंगे प्लस वो शेड बनेगा सो गौशाला का शेड बनेगा जिसे असी कोई मेरे ख्याल 500 कैपैसिटी का शेड होएगा।
अमृतसर नगर निगम के कमिश्नर संदीप ऋषि ने फास्ट वे न्यूज टीम गलबात करद आख्या कि अमृतसर शहर न साफ सुथरा रखन अते नगर निगम वालों अमृतसर न सुंदर बनाने लिए किए जा रहे कार्यों में सहयोग कर आख्या कि नगर निगम वालों अमृतसर G20 लैके भी कई विकास कार्य करवाए गए हैं अमृतसर वासी इन्होंने संभाल में सहयोग कर नगर निगम कमिश्नर ने हिदायत की कि लोग सरकारी दफ्तर इमारतों दीवारों से पोस्टर न लगा मेरी सिर्फ शहर वासियों ने एक अपील है कि साफ शहर नूं साफ सुथरा रखना जिहड़ा ओह साडा अपना पहला अखलाकी फर्ज़ है एक सिटीजन हुंदे आ असीं शहर दे विच चाहे एज एन ऑफिसर पोस्टर ना बट शहर दे सिटीजन भी हैं एज ए सिटीजन असीं अपने शहर नूं साफ सुथरा रखना अपने घरां दा कूड़ा जिहड़ा है ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੇਨਟੇਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕੂੜੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸੰਸ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਏਜੰਸੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਗੱਡੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਈ ਹੈ ਔਰ ਬਾਈ ਚਾਂਸ ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਹੈ ਟੈਕਨੀਕਲੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆ ਜੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਗੱਡੀ ਨਹੀਂ ਆਈ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣਾ ਕੂੜਾ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਾ ਸੁੱਟਣ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅਮਰੀਕਾ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਸੋਲਿਡ ਵੇਸਟ ਕਲੈਕਟ ਕਰਨ ਆਉਂਦੀਆਂ ਇਹ 7-7 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਵੀਕਲੀ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਲੋਕ ਆਪਣਾ ਕੂੜਾ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ 7 ਦਿਨ ਰੱਖਦੇ ਆ ਲਿਫਾਫਿਆਂ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਬੰਨ ਕੇ ਸੈਗਰੀਗੇਟ ਕਰਕੇ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਔਰ ਜਦੋਂ ਗੱਡੀ ਆਉਂਦੀ ਉਦੋਂ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਸੋ ਜੇ ਕਿਤੇ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਦਿਨ ਕਿਤੇ ਗੱਡੀ ਲੇਟ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹੋ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਆਪਣਾ ਕੂੜਾ ਆਪ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖਣ ਔਰ ਜਦੋਂ ਗੱਡੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਦੇਣ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਬਣੀ ਹੈ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਵੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਵਾਲਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੇਂਟਿੰਗਸ ਬਣੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਜਾਂ ਬੈਨਰ ਨਾ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਾਈਟਸ ਲਗਾਈਆਂ ਤਿਰੰਗੇ ਵਾਲੀਆਂ ਲਾਈਟਸ ਆ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਝੰਡੇ ਦਾ ਰੰਗ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਅਸੀਂ ਔਰ ਸੋਹਣੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿਚਲੂ ਚੌਂਕ ਫਲਾਈਓਵਰ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹੋ ਜਾਂ ਉਤਰੋ ਜਾਂ ਭੰਡਾਰੀ ਬ੍ਰਿਜ 'ਤੇ ਵੇਖੋ ਹਾਲ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਵੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਹਰ ਦੀ ਰੋਡ ਹੈ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ ਦੇ ਲਾਗੇ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ ਏਅਰਪੋਰਟ ਰੋਡ 'ਤੇ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਇਨਫੈਕਟ ਅਸੀਂ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਏਰੀਏ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਲਗਾਈਆਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਸੰਮੇਲਨ ਹੋਇਆ ਹੈ G20 ਦਾ ਰੈਡੀਸਨ ਹੋਟਲ ਏਅਰਪੋਰਟ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰੈਡੀਸਨ ਹੋਟਲ ਤੱਕ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲਗਾਈਆਂ ਨੇ ਸੋ ਮੇਰੀ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਟੈਕਸਾਂ 'ਚੋਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਖਰਚ ਕੇ ਅਤੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਨੇ ਸੋ ਆਪਣਾ ਅਖਲਾਕੀ ਫਰਜ਼ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਵੱਲ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਦਿਓ ਜੇ ਕੋਈ ਚੋਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰੋ ਅਸੀਂ ਫੜਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਐਕਸ਼ਨ ਵੀ ਲਵਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਬਣਾਉਣਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅਸੰਭਵ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਸਹਿਯੋਗ ਪੂਰਾ ਦਿਓ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸੰਦੀਪ ਰਿਸ਼ੀ ਹੋਣਾ ਨੇ ਫਸਟ ਨਿਊਜ਼ ਟੀਮ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਮਿਊਂਸੀਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਉਸਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ ਔਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਆਖਿਆ ਕਿ G20 ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਔਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਬਿਊਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਲਈ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਨੇ ਲੋਕ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਣ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ ਉਹਦੀ ਦਿੱਖ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੀ ਅਤੇ ਵਧੀਆ ਔਰ ਬਿਹਤਰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਸਕੇ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਰਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਸੰਦੀਪ ਚਾਲ ਫਸਟ ਨਿਊਜ਼ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਮੰਦਿਰ ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼ਿਵਾਲਾ ਬਾਗ ਪਾਈਆਂ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਇੱਕ ਪੋਸ਼ ਕਲੋਨੀ ਤਿਲਕ ਨਗਰ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਤੰਗ ਅਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ 10-12 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੀ ਸੜਕ ਪੁੱਟੀ ਹੋਈ ਹੈ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਗੈਸ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਵਾਲੇ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਇਸ ਕਲੋਨੀ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਨ ਪਰ ਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਕਿ ਸੜਕ ਦੀ ਖੁਦਾਈ ਬੜੇ ਅਜੀਬ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਪਾਈਪਸ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਨੈਕਸ਼ਨਸ ਕੱਟੇ ਗਏ ਹਨ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਲਾਕਾ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਸੁਵਿਧਾ ਠੀਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਸੁੱਧ ਬੁੱਧ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਿਹਾ ਬੱਚੇ ਔਰਤਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਿੱਲਤ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਮਰਦ ਤਾਂ ਕੰਮ 'ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਇਲਾਕਾ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਦਿੱਕਤ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਆਉਣ ਜਾਣ ਦੇ ਰਸਤੇ ਸਾਰੇ ਖਰਾਬ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਤਿਲਕ ਨਗਰ ਸ਼ਿਵਾਲਾ ਭਾਈਆਂ ਦੀ ਨਿਵਾਸੀ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸਰ 10-12 ਦਿਨ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹੈ ਇਹ ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਤਰਸ ਗਏ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ 10-12 ਦਿਨ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਪਏ ਕਿ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਟੋਇਆ ਕਰ ਛੱਡਿਆ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਆਉਣ ਜਾਣ ਤੋਂ ਵੀ ਸਾਡਾ ਮਤਲਬ ਰਸਤਾ ਰੋਕਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਆ ਸਕਦੇ ਨਾ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨਾ ਕੋਈ ਗੱਡੀ ਨਾ ਕੋਈ ਸਕੂਟਰ ਨਾ ਈਵਨ ਸਾਈਕਲ ਤੱਕ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੱਢ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਬੱਚੇ ਤਰਸ ਗਏ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਅਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਹੈ ਵੇਖਦੇ ਹੈ ਅਤੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ
मैं दिव्या महाजन तिलक नगर च ही रेंदे हाँ। साडा इन्ना पानी की प्रॉब्लम आन दी, अज 12 दिन हो गया बिल्कुल पानी नहीं है, तो सानू इस तरह लगता पे अं 30 साल 50 साल पिछे चले गए हाँ कि पानी जिस तरह पहला लोग भरन जाते ही लोगों घरों बहरों लैन जाते ही पानी, असं वो लैन दिया बहरों बोतलों पानी वाली लैके आ रहे हैं। कारण गैस पाइप वाले आए से, गैस पाइप हजे एक दिन ही उन्होंने काम स्टार्ट किया, तो साढ़ा 12 दिन का इन्ना मुश्किल हो गया, 12 दिन हो गया पानी बिल्कुल ही नहीं आ रहा साढ़ा, तो उन्होंने आके टैंपरेरी आके रोज़ आके 10-10:30 आते हैं, 5 बजे चले जाते है कि सानू फॉल्ट ही नहीं मिलता पाया। 10-12 दिन होया गैस पाइप लाइन वाले आए से, उन्होंने गैस पाइप लाइन के नाल वाटर सप्लाई भी तोड़ दी, तो उन्होंने अभी बार बार कंप्लेन करन, 2 दिन बाद ठीक करन आए, 2 दिन साढ़े को इतने कोई नहीं पहुँचा, उस तो बाद 2 दिन ठीक करन आए, तो सारे टोए देखते पे हो सारा टोया पूरी सड़क तोड़ दी है, पर उन्होंने हले तक फॉल्ट नहीं मिल रहा, तो थोड़ी टैंपरेरी पानी हुण शुरू भी किया पर वो भी गंद इन्ना गंदा आ रहा कि वो तुसीं स्मैल ही पानी जिन्नी क ज़्यादा हैगी जिस सीवरेज का पानी आ गया होंदा, तो ना वो पीदा पानी बच्चों इन्नी परेशानी, बच्चों के पेपर है, स्कूल की वैन नहीं इतों तक आ सकती, इतों तुम सैकल तक नहीं पैदल कर सकते, एडे एडे वे टोए कर दिए गए हैं, तो कम वो कॉन्ट्रैक्टर के बेस से पाई जाते हैं, MLA मैडम आते हैं वो भी कहते अज ही हो जाएगा बस कार्रवाई पा के सारे लीडर भी जाई जाते हैं। मुश्किल सानू गैस पाइप तो आई है शनिवार, ये जिदन के गैस पाइप वाले आए हैं गैस पाइप पा के चले गए, उस तो बाद 12 दिन हो गए मुश्किल, कभी बाल्टियां जो पानी भर के खड़ते हैं, कभी टैंकी भरते हैं, कभी कुछ करते हैं, एक हफ्ता लगातार मैं इतने लग गया आरके नाल काम करवा रहा, पर कोई जिम्मेवारी लेंदा नहीं पिया, जेई साहब भी आते हैं वह भी कहें इतों कर दो उदा कर दो, पर कोई जिम्मेवारी लेंदा। दिक्कत है कि अज 9 दिन हो गया इतने पानी बिल्कुल नहीं आता पाया, गैस पाइपां पैन करके कि बिल्कुल ब्लॉकेज हो गई है, तो बिल्कुल घरां दे विच बच्चे मतलब पानी हथों तरफते पे है। एरिया तिलक नगर शिवाला भाई हो तिलक नगर अमृतसर का एक पौश इलाका तिलक नगर, तुम वेख रहे हो जो हालात ने इस पौश इलाके के कि पिछले 12 दिनों तो सड़क खुदी पई है, पानी घर नहीं आ रहा, पाइपा टुट गई हैं और बच्चे लेडीज़ और बुजुर्ग किमें परेशान हैं वो तुम आवाज़ा सुनिया। उम्मीद करते हैं कि प्रशासन जल्दी एक्शन ले इस चीज़ का, क्योंकि जिन्ना दुखी इस इलाकावासी हैं वह तरीके अगर देखा जाए तो प्रशासन ही जिम्मेवार बनता है। उम्मीद करते हैं कि सुनवाई होवे और जो इन्हों दुख हो रहा है इस वे और जो इन्हों कठिनाई आ रही है उसका जल्दी निपटारा कर सकन। कैमरा परसन राकेश नाल JP सिंह फास्ट न्यूज़ अमृतसर। फास्ट वे दा फिल्मी चैनल नंबर 240 ते, फास्ट वे मूवी चैनल नंबर 241 ते, फास्ट वे मेट्रो चैनल नंबर 242 ते, फास्ट वे म्यूजिक चैनल नंबर 243 ते, गुरुद्वारा शहीदा साहिब तो सीधा प्रसारण चैनल नंबर 556, श्री दुर्गयाना तीर्थ तो सीधा प्रसारण चैनल नंबर 563 ते कीता जा रहा है। मंदिर लाल भवन मॉडल टाउन विखे सवेरे सीधा प्रसारण चैनल नंबर 241 अते शाम नूं सीधा प्रसारण चैनल नंबर 242 ते कीता जांदा है। फास्ट वे दे लोकल चैनलों ते एडवर्टीजमेंट देण लई फोन नंबर 7009308833 ते संपर्क कीता जा सकता है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की धर्मपत्नी सोनल शाह ने अपनी अमृतसर फेरी दौरान श्री दुर्गयाना तीर्थ दे श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर विखे मत्था टेकिया अते ठाकुर जी दे चरणा विच हाजरी भरी। मंदिर दे पुजारी ने उन्हां नूं सिरोपा पेंट कीता। मंदिर कमेटी दे कई मैंबर्स मौजूद सन। अमृतपाल सिंह दे साथी ईश्वर सिंह नूं लुधियाणा तों लिया के पुलिस ने अशनाला दी अदालत विच पेश कीता। अदालत ने उसनु 3 दिन दे पुलिस रिमांड ते पेश दिता है। यूथ फॉर ग्लोबल पीस एंड ट्रांसफॉर्मेशन दी टीम ने एक डॉक्टर्स दे ग्रुप नाल सरब आसरा ओल्ड एज होम बटाला रोड विखे एक मेडिकल कैंप दा आयोजन कीता, जिस विच CPR बारे विस्तार नाल जानकारी दित्ती गई। अज दे दौर विच सेहत नूं लै के जागरूक होण दी लोड़ है अते डॉक्टर्स दी टीम ने आए हुए मेहमानां नूं इस गल तों जाणू करवाया। इस मौके यूथ फॉर ग्लोबल पीस एंड ट्रांसफॉर्मेशन दे मैंबर्स अते डॉक्टर्स ने साडी टीम नाल CPR बारे जानकारी सांझी कीती। प्रतीक, अनूप, हरगुण, उपासना, सुमेधा अते होर मैंबर्स मौजूद सन।
देखो जी, जिवें कि तुहानू सारयां नू पता है कि YGPT जिहड़ी आ समें समें ते लोक भलाई दे काम करदी रहिंदी आ, जिवें कि ब्लड डोनेशन कैंप्स लाना, ट्री प्लांटेशन ड्राइव्स करना। उस दे नाल ही आपां एक जिहड़ा नवां उपराला अज कीता है कि आपां डॉक्टर्स दी इक टीम दे नाल मिल के, डॉक्टर रमन चतरथ दी टीम दे नाल मिल के आपां CPR ट्रेनिंग दा एक सैशन बटाला रोड विखे सर बासरा ओल्ड एज होम विखे आपां लवाया। इत्थे काफ़ी तादाद दे विच साडे को जिहड़े लोक इत्थे पहुँचे ने, पहले तो मैं उन्हां दा बहुत ज़्यादा धन्यवादी हाँ, क्योंकि ये सैशन की लोड़ सानू इस तरह पई है कि असीं सारे जानते हैं पिछले कुछ दिनों दे विच काफ़ी सारे आपां जिहड़ियां डैथ्स ने वह हार्ट अटैक दे राही आपां देखियां हुंदियां कि लोगों को हार्ट अटैक आया तो वह जिहड़े ने चले जाते हैं, साडे तो विछड़ जाते हैं। तो कि हार्ट अटैक आन दे उत्ते सिर्फ एक डॉक्टर ही उन्हें बचा सकता है? जी हाँ, डॉक्टर क्वालिफाइड उन्हें बचा सकता है, पर डॉक्टर तक पहुँचने लग्या सानू बहुत टाइम लगता है। तो आप कह सकते हैं कि CPR एक तरह की फर्स्ट एड है जो आप उस रोगी दे सकते हैं जिन्होंने हुणे हुणे कार्डियक अरैसट आया, जिसे हुणे हुणे दिल की धड़कन रुकी है। आप अज एक BLS बेसिक लाइफ सपोर्ट की एक वर्कशॉप अरेंज की है, उदे विच आपा सारे लोगों नू, सारे आम लोगों नू CPR दी ट्रेनिंग दे रहे हैं। CPR हैगा कार्डियो पलमोनरी रीससिटेशन। एदे विच जदों भी किसी बंदे दी दिल दी धड़कन रुक जाती है, उदे विच एक कॉमन मैन, एक आम आदमी उदी किद्दां हेल्प कर सकता है, उन्हूं किद्दां बचा सकता है, इस बारे साडी वर्कशॉप हैगी है। तो इदा यह होंगे कि 5 मिनटा च उदी जान बचाना बहुत औखा हैगा, तो जे नेड़े कोई डॉक्टर नहीं हैगा या जे अस्पताल उस टाइम तक नहीं जा सकते तो उन्होंने 5 मिनटा विच डॉक्टर की जान, लोगों की जान बचाने लिए आप एक वर्कशॉप की है, CPR कार्डियो पल्मोनरी रीससिटेशन बेसिक लाइफ सपोर्ट। और यहाँ पे आज हम आए हैं एक CPR वर्कशॉप ऑर्गेनाइज करके, जहाँ पे ये एक ओल्ड एज होम है, यहाँ पे 50-60 लोगों का हमने एक इवेंट ऑर्गेनाइज किया है। यहाँ पे हर तरह के बच्चे, बूढ़े, मेडिकल, नॉन मेडिकल स्टूडेंट सब हैं। और यहाँ पे हमारा एक मिशन है ईच वन सेव वन, जहाँ पे हम चाहते हैं कि हम हर एक बंदे को CPR सिखाएं जो आगे जाके और लोगों की जान बचाए। और ये हम चाहते हैं कि पूरे इंडिया में, स्पेशली अमृतसर एंड पंजाब में हम इसको आगे लेके जाएं। दैट्स वाई हम अलग अलग जगह पे जाके ये वर्कशॉप ऑर्गेनाइज करते हैं और अपने इस मिशन को आगे बढ़ाना चाहते हैं। थाना मकबूलपुरा पुलिस ने एक दोषी बलविंदर सिंह पासो 20 ग्राम हेरोइन और 250 सरिंजा बरामद कीतिया हन। एक होर दोषी पासो 50 ग्राम हेरोइन बरामद की गई है। हुन समा हो गया एक छोटे जिहे ब्रेक का, ब्रेक तो बाद तुसी देखोगे। वार्ड नंबर 71 की बाबा दीप सिंह कलोनी विच विकास कार्य ना होने कारण लोग परेशान। एते कुछ होर खबरां एक छोटे जिहे ब्रेक तो बाद। फनलैंड अपने बच्चों को नेचर का अनुभव और राइड्स का फन दीजिए। आइए कंपनी बाग में सबके मनपसंद फनलैंड में और मजे लीजिए बेशुमार राइड्स, बोटिंग, रेस्टोरेंट, हॉर्स राइडिंग, आर्टिफिशियल जू, डांस और बहुत सारी एक्साइटिंग एक्टिविटीज का। एंट्री सिर्फ 5 रुपए से शुरू। Land in your city, unlimited fun. तुझे देखा हुआ पागल पागल तुम्हारी बॉडी जैसे पारल पारल पासा जाने जा बन मेरी यामाहा लम्बे 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 है द थ्रॉटल लेट मी मेक यू मूव उत्ते मैं डल
पासे खेड़े दिल दिया गल्ला ते क्यों टूट दे दिल जदों बंदे दा एक पैर मोहब्बत च होंदा ना आई लव यू जूनी ता एक पैर जन्नत च होंदा मिलेगा इलाज इन्हां सब इलमां दा मैनू प्यार कीता सी इन्हें मेरे नाल आ कीता देखो अपनिया मनपसंद ते कैंट कैंट फिल्मां ओनली ऑन तड़का फिल्मां दा बाद एक बार फिर तुहाडा स्वागत है वार्ड नंबर 71 दे अधीन आउंदा इलाका बाबा दीप सिंह कलोनी जिस दे हालात नरक भरे अते तरसयोग बने हुए हन सरकार ते प्रशासन सिर्फ विकास दे कम्मां दे नां ते खोखले दावे ही कर रहा है जिस दे मुंह बोलदियां तस्वीरां तुहाडे रूबरू कीतियां जा रहियां हन लोकां ने साडी टीम नाल गलबात करदियां आख्या कि इलाके दियां गलियां दी हालत बहुत खराब है अते बरसात दे मौसम विच ना ही जमीन का पता लगता है ना ही टोया का जिस कारण आए दिन लोग डिगदे हैं जिस संबंधी उन्होंने सरकार ते प्रशासन तो मांग की है कि जो उन्होंने वादे किए गए हैं उन्होंने कितने अमली जामा भी चाड़िया जाए ਜਵਾਲ ਰੋਡ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕਲੋਨੀ ਆ ਸਾਡੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੰਦਗੀ ਵੇਖੋ ਮੱਛਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੱਚੇ ਸਕੂਲ ਜਾਂਦੇ ਆ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਆਉਂਦੀ ਆ ਡਿਊਟੀਆਂ 'ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਕੱਪੜੇ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਜਾਣ ਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਾਰਾ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਤਰੀਕਾ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆ ਕੇ ਚਲੇ ਗਈਆਂ ਨੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸੁਣਦਾ ਨਹੀਂ ਆ ਹੁਣ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਨੂੰ ਗਲੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਹੁਣ ਕੋਈ ਵੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਗੰਦਗੀ ਆ ਕੋਈ ਕੂੜੇ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਗੱਡੀ ਆਏ ਮਿੱਟੀ ਪਲਾਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪੁੱਟ ਪੁੱਟ ਕੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਫਿਰ ਵੀ ਦੁਕਾਨਾਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਗਲੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਗਲੀ ਦੀ ਕੋਈ ਸੁਣਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਬੱਚੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਆ ਕੋਈ ਸੁਣਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਤੋੜ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ ਨਾ ਕੋਈ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨਾ ਕੋਈ ਨਾ ਲੈਂਦੇ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਅਸੀਂ ਇਹ ਬਣਾ ਦਾਂਗੇ ਕੱਢ ਛੱਡਦੇ ਹਾਂ ਬਸ ਕੋਈ ਸੁਣਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਇੱਥੇ ਇੱਥੇ ਗਲੀ ਸਾਡੀ ਬਣ ਜਾਵੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਤੋੜ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਆ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆਉਂਦੀ ਸਾਡੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤੁਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਪਰਸੋਂ ਕੱਲ੍ਹ ਬੱਚੇ ਡਿੱਗ ਪਏ ਆ ਉੱਥੇ ਰਾਤੀ ਮੇਰੇ ਵਰਗੀ ਡਿੱਗਣ ਲੱਗੀ ਸੀ ਅਸੀਂ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 71 ਦੇ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕਲੋਨੀ ਫਤਿਹਪੁਰ ਝਬਾਲੋੜ ਦੇ ਵਾਸੀ ਹਾਂ ਜੀ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੜੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀਆਂ ਮਤਲਬ ਜਾਂ ਤਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਹਾਦਸਾ ਹੁੰਦਾ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਹਾਦਸਾ ਹੋਏਗਾ ਗਲੀ 'ਚ ਫਿਰ ਹੀ ਆਪਾਂ ਆਵਾਂਗੇ ਪਹਿਲੇ ਸਾਡੀ ਜੀ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 71 ਪੈਂਦੀ ਸੀਗੀ ਹੁਣ ਦੀ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 66 ਹੋ ਗਈ ਹੈਗੀ ਆ ਸਾਡੀ ਜੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਗਲੀ ਬਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਨਾ ਗਲੀ ਬਣੀ ਹੋਵੇ ਕੱਚੀ ਰਹਿ ਗਈ ਟੁੱਟ ਗਈ ਹੋਵੇ ਦੁਬਾਰਾ ਗਲੀ ਬਣੀ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੱਚੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਹੈ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇੰਨੀ ਵਸਾ ਵੀ ਹੋ ਗਈ ਆ ਹੁਣ ਇੰਨੇ ਮਕਾਨ ਹੋ ਗਏ ਵੋਟਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਪਰ ਤਾਂ ਵੀ ਗਲੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਬਣੀ ਨਹੀਂ ਗਲੀ ਦੀ ਸਿਰਫ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਮੇਨ ਗਲੀ ਬਣੀ ਆ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਕੱਚੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਅੰਦਰ ਦੀਆਂ ਮੰਗ ਇਹੀ ਹੈ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਹਰ ਵਾਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਵੜਦੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਬਣਵਾ ਦਾਂਗੇ ਸਿਰਫ ਉਹਦੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਆਏ ਕੋਈ ਵੀ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਮੇਨ ਸੜਕ ਬਣੀ ਆ ਜੀ ਆਏ ਹੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਉੱਥੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਜੀ ਪਾਈ ਜੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆ ਗਏ ਸੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਰੋਗੀਆਂ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਇਹੋ ਮੰਗ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਗਲੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕੱਚੀਆਂ ਇਸ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕਲੋਨੀ ਦੀਆਂ ਉਹ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਣ ਜੀ ਪੁਰਾਣੀ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 71 ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 66 ਜਿਸਦਾ ਕਿ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕਲੋਨੀ ਜਿੱਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬੱਤਰ ਨਾਲੋਂ ਬੱਤਰ ਹੈ ਨਰਕ ਭਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਤੀਤ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੋਕ ਮਜਬੂਰ ਨੇ ਜਿਸ ਸੰਬੰਧ ਵੀ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵੀ ਖਬਰ ਲਗਾਈ ਸੀਗੀ ਇੱਕ ਸਾਲ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ ਗਲੀਆਂ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਦਰਕਿਨਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਉਸਦਾਂ ਹੀ ਮੁਕੰਮਲ ਪਈਆਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਆ ਕਿ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਰਕਾਰ ਅਗਰ ਵਾਅਦੇ ਕਰਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨੇਪੜੇ ਵੀ ਚੜ੍ਹੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਖੋਖਲੇ ਵਾਅਦੇ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸਤਰ 'ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਉਹਦੀਆਂ ਬੋਲਦੀਆਂ ਮੂੰਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਹਮਣੇ ਨੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕੋ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨੇਪੜੇ ਵਿੱਚ ਆੜਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕੇ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਰਮਨ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਸ਼ੀਲ ਸ਼ਰਮਾ ਫਾਸਟ ਨਿਊਜ਼ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪਿੰਜਰਾ ਪੋਲ ਗੌਸ਼ਾਲਾ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਭਵਨ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਨਵੇਂ ਭਵਨ ਦੀ ਨਵ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਭੂਮੀ ਪੂਜਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੰਤੋਸ਼ ਗੁਪਤਾ ਸੰਰਕਸ਼ਕ ਡਾਕਟਰ ਬਲਦੇਵ ਰਾਜ ਚਾਵਲਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਅਸ਼ੋਕ ਕਪੂਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਭਵਿਸ਼ ਦੇਸਾਈ ਅਤੇ ਸੋਨੀਆ ਦੇਸਾਈ ਨੇ ਵੀ ਨੀਂਹ ਪੱਤਰ ਰੱਖਿਆ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਵਲ ਗੁਪਤਾ ਸੁਮਨ ਮਹਿਰਾ ਸੁਨੀਲ ਗੁਪਤਾ ਰਿਸ਼ੀ ਪੋਧਾਰ ਸਤੀਸ਼ ਅਗਰਵਾਲ ਸ਼ਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਿਸ਼ੋਰ ਜੋਸ਼ੀ ਜਗਦੀਸ਼ ਮਹਿਰਾ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਸ ਮੌਜੂਦ ਸਨ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਜਨਤਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿੰਨੀ ਸੇਵਾ ਮਿਲੇਗੀ ਅਸੀਂ ਕਰੀ ਜਾਵਾਂਗੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਮਝ ਕੇ ਚੱਲੋ ਕਿ 120 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਰਜਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਹਿੱਲ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਲੈਂਡਰ ਹਿੱਲ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਦੋ ਮੰਜ਼ਿਲਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਕਿਉਂ ਪਈ ਕਿ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 2600 ਗਊ ਧਨ ਹੈ ਸੇਵਾ ਵਾਸਤੇ
जे 225 दूध देने वाली ने बाकी सेवा वाली ने सारे रेट इन्ने वध गए ने कि गुजारा नहीं हो रहा लॉस जा रहा है। ये वास्ते असी ये निर्माण करने जा रहे हैं। असी कोई व्यापारी व्यवसायिक कम नहीं कर रहे, ये सेवा का कम कर रहे हैं कि लोग इतने आके ठहरेंगे सेवा करेंगे, जिहड़े आएंगे वो जरूरी गल है कि सेवा भी करेंगे। इस करके असी अतिथि भवन बना रहे हैं, कोई असी होटल नहीं बना रहे। नेहरू युवा केंद्र अमृतसर युवा मामले अते खेड मंत्रालय भारत सरकार वालों खालसा कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी अमृतसर विखे 7 रोजा 14वां कबायली युवा अदला बदला प्रोग्राम करवाया जा रहा है। इस मौके पर रुख लगाए गए अते भाषण प्रतियोगिता करवाई गई। डॉक्टर रिपिन कोहली, मनमीत कौर, डॉक्टर पूजा शर्मा भी मौजूद सन। किसान मजदूर संघर्ष कमेटी पंजाब जोन वालों चौगावा पिंड कक्कड़ विखे मीटिंग की गई। इस मौके पर जोन चौगावा प्रधान गुरलाल सिंह कक्कड़ ने जानकारी दी कि 29 मार्च को जत्थेबंदी वालों लोक हितों में लड़े गए वक्-वक् संघर्षों दौरान जान की कुर्बानी देने वाले शहीद अंग्रेज सिंह बाकीपुर समेत सब शहीदों की याद में समागम करवाया जा रहा है। इस मौके पर कुलवंत सिंह कक्कड़, डॉक्टर गुरप्रताप सिंह, गुरमेल सिंह, हरदेव सिंह, जसबीर सिंह अते पिशोरा सिंह समेत कई लोग मौजूद सन। 29 तरीक न अंग्रेज सिंह बाकीपुर ते होर जिहड़े शहीद होए जत्थेबंदी दे उन्हां दी याद विच इक साडा समागम रखना वा अमृतसर रणजीत एवेन्यू, उहदी संबंध दे विच अज जिहड़ी जानकारी दित्ती गई है। भगवान वाल्मीकि आश्रम विखे तूना साहिब ट्रस्ट दे मुखी महंत मलकीत नाथ अते चेयरमैन ओम प्रकाश गब्बर दी अगुवाई हे डॉक्टर पंपोश दी हुई मौत दे मामले संबंधी बैठक कीती गई। इस दौरान डॉक्टर पंपोश इंसाफ मोर्चे दे आगुआं ने शिरकत कीती। इस मौके तूना साहिब ट्रस्ट अते सफाई मजदूर फेडरेशन पंजाब वालों डॉक्टर पंपोश इंसाफ मोर्चे समर्थन देने का ऐलान किया। इस मौके सफाई मजदूर फेडरेशन पंजाब के सूबा प्रधान विनोद बिट्टा, डॉक्टर गुरमेत सिंह, डॉक्टर कश्मीर सिंह भी मौजूद सन। इस मौके ऐलान किया गया कि 3 अप्रैल को भंडारी पुल विखे प्रदर्शन किया जाएगा। साडे डॉक्टर पंपोश जिसकी पिछले दिनों के हत्या की गई मेडिकल कॉलेज के सारी कमेटी अज संत समाज को समर्थन लैन वास्ते आई है। संत समाज ने तन मन धन दे उन्हें समर्थन देने का वादा किया। इंसाफ लैन के बाद 3 तरीक न एक कमेटी भंडारी पुल के उत्ते एक बड़ा वड्डा जाम ला के इंसाफ की लहर नूं गांह चलावेगी। अज जो मीटिंग समाज मोर्चे के नाल हुई है साझा मोर्चा जिहड़ा वो इतों ऐलान होया कि 3 तरीक न जिहड़ा वो धरना दिता जाएगा। संत समाज तो जिहड़ी आ असी अपनी इस दलित धी दे वास्ते जिहड़ा साथ दी उम्मीद लै के आए सी महापुरखां ने सानू पूरा साथ तन मन धन नाल देण दे जिहड़े सानू आश्वासन दवाया। मानव अधिकार संघर्ष कमेटी दी मीटिंग जनरल सकत्तर डॉक्टर वरिंदर शर्मा दी अगुवाई हेठ आयोजित कीती गई। प्रधान डॉक्टर हरीश शर्मा, मेडिकल सैल दे चेयरमैन डॉक्टर विकास शर्मा ने संबोधन किया। इस मौके पर कई डॉक्टरों को सम्मानित किया गया। डॉक्टर सुखबीर सिंह को जिला प्रधान तरन तारण नियुक्त किया गया। सारे मैंबरों ने मीटिंग में भाग लिया। मानव अधिकार संघर्ष कमेटी के अंडर हरीके पट्टी के वालों आए डॉक्टर्स नियुक्त किया गया है ताकि पैरीफरी के मानव अधिकार संघर्ष कमेटी की जो अलग अलग एक्टिविटीज़ ने चाहे वह सोशल एक्टिविटीज़ है चाहे वह मेडिकल एसोसीएटेड एक्टिविटीज़ है उन्होंने स्ट्रेंथन किया जाए। डॉक्टर सुखबीर सिंह जी ने जिहड़े तरन तारण दे इन्हों नियुक्ति पत्र दिता जी, जिले का प्रधान लाया, बाकी इन्हों की टीम है जी 21 मैंबर ने सारे इन्हों के नाल अटैच है जी। नवरात्र के मौके पर मंदिर लाल भवन मॉडल टाउन विखे श्री दुर्गा स्तुति के पाठ किए गए और शाम को भगवती संकीर्तन किया गया। वड्डी गिनती विच लोगों ने हाजरी भरी। साबका मेयर करमजीत सिंह रिंटू, साबका कौंसलर नीतू तांगड़ी, विशाल वधावन, संजीव तांगड़ी ने भी हाजरी भरी। नवरात्र के संबंध में वड्डी गिनती विच लोगों ने श्री दुर्गियाना तीरथ विखे माता शीतला मंदिर विच हाजरी भरी अते लस्सी चढ़ा के सुख शांति खुशहाली अते चढ़दी कला की अरदास की। शाम नूं मंदिर विखे संगतां ने भगवती गुणगान किया। वड्डी गिनती विच लोगों ने भाग लैके भगवती गुणगान सुनिया।
मुक्ति नारायण धाम ग्रीनफील्ड विखे नवरात्र के संबंध में भगवती जागरण किया गया। प्रसिद्ध जागरण मंडलिया ने भगवती गुणगान किया। सुनील उप्पल, चरणजीत अग्निहोत्री, धर्मपाल प्राशर, चरणजीत भास्कर, रवि शर्मा, सुभाष शर्मा, पारित भूषण गुप्ता, पंडित विजय शास्त्री समेत कई लोगों ने हाजरी भरी। नवरात्र के मौके से श्री हनुमान सेवा परिवार कमेटी वालों प्रधान अतुल खन्ना की अगुवाई हेठ अनिल मलिक के निवास 514 ए ब्लॉक रंजीत एवेन्यू विखे भगवती संकीर्तन किया गया। वड्डी गिनती विच लोगों ने हाजरी भरी। परम संत अद्वैत स्वरूप श्री आरती देवा जी महाराज का 44वां प्रकाश उत्सव श्री आरती शिव दुर्गा मंदिर ट्रस्ट करतार नगर छियाटा विखे श्री दुर्गा अष्टमी वाले दिन 29 मार्च नूं मनाया जाएगा। प्रसिद्ध संकीर्तन मंडलियां भगवती गुणगान करन किया। फास्ट वालों चैनल नंबर 998 ते समागम का सीधा प्रसारण किया जाएगा। 22 से 29 मार्च तक श्री भगत माल कथा महंत हेमकुंज बंधु जी महाराज कर रहे हैं। सवेरे 5 से 7 बजे तक 5 रामायण के पाठ और श्री दुर्गा सप्तशती महायज्ञ हो रहा है। खालसा सतगुरु सेवक सभा वालों तन तन साहब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी के प्रकाश पर्व और बाबा दीप सिंह जी के जन्म दिहाड़े के संबंध में महान कीर्तन दरबार मेन बाजार शहीद उधम सिंह नगर तरन तारण रोड विखे आयोजित किया गया। पंथ के प्रसिद्ध कीर्तनी जथिया ने कीर्तन की हाजरी भरी और लंगर वरताए गए। फास्ट वालों समागम का सीधा प्रसारण किया गया। भाई महताब सिंह, भाई बलविंदर सिंह रंगीला, भाई सरूप सिंह, गुरुद्वारा शहीदा साहब के मैनेजर हरप्रीत सिंह, राज सिंह राजू, संदीप सिंह, हरविंदर सिंह, सोनू बाबा समेत वड्डी गिनती विच लोगों ने हाजरी भरी। डेरा स्वर्गीय हीरा महंत बाजार खिलौनिया विखे नवरात्र के मौके पर भगवती जागरण किया गया। विजय महक ने भगवती गुणगान किया। रामनवमी नु भंडारा होवेगा। मंदिर शिवधाम बाबा स्वरूप दास कुबी बेरी विखे भगवती जागरण प्रधान प्रमोद पाटिया की अगुवाई हेठ किया गया। प्रसिद्ध जागरण मंडलिया ने भगवती गुणगान किया। पंडित फतेह कृष्ण, वीना पाटिया, राहुल, पलक पाटिया समेत कई लोगों ने हाजरी भरी। मंदिर राधा वल्लभ नामक मंडी विखे भगवती जागरण किया गया। राजेंद्र कुमार समेत कई लोग मौजूद सन। रामनवमी नु भंडारा होवेगा। प्राचीन चिंतपुर्णी मंदिर विखे नवरात्र के मौके से ज्योति प्रचंड की गई और संगतान ने भगवती गुणगान किया। वड्डी गिनती विच लोगों ने हाजरी भरी। डेरा शक्ति माँ वालों मंदिर राधा वल्लभ लोहगढ़ विखे भगवती जागरण किया गया। कपिल गोसाई ने भगवती गुणगान किया। रामनवमी नु भंडारा होवेगा। मंदिर महाबीर टूंडा तालाब विखे भगवती संकीर्तन किया गया। 26 मार्च रविवार शाम 5 से 8 बजे तक श्री हनुमान चालीसा परिवार वालों पाठ होवेगा। 28 मार्च सवेरे 10:30 बजे पवन जी महाराज हाजरी भरन के। श्री दुर्गयाना आबादी विखे मंदिर काली माता विखे नवरात्र के संबंध में हाजरी भरी गई और संगतान ने संकीर्तन किया। गद्दी बाबा लाल दयाल चौंक करमे ड्योड़ी विखे महंत अनंत दास जी के सानिध्य में भगवती जागरण किया गया। संगतान ने इस मौके पर भगवती गुणगान किया। नवरात्र के संबंध में मंदिर गुफा वाला विखे भगवती जागरण किया गया। कई लोगों ने हाजरी भर के भगवती गुणगान सुनिया। मंदिर वैष्णो दरबार गली जड़ाऊ चौंक फुलांवाला विखे भैन
परवीन देवी की अगवाई हेठ कीर्तन किया गया। वड्डी गिनती विच संगतां ने हाजरी भरी। काली माता मंदिर टाप बस्ती राम विखे भगवती जागरण किया गया। प्रसिद्ध जागरण मंडियां ने भगवती गुणगान किया। कई लोगों ने हाजरी भरी। गली माई राम की विखे वैष्णो देवी मंदिर विच भगवती जागरण किया गया। संगतां ने हाजरी भर के भगवती गुणगान सुनिया। मंदिर बाबा बालकनाथ लोहगढ़ विखे भगवती संकीर्तन किया गया। भजन मंडलियां ने भगवती गुणगान किया। कई लोगों ने हाजरी भरी। नवरात्र के मौके पर मंदिर तुलसीदास कटरा दुल्लो विखे भगवती गुणगान किया गया। वड्डी गिनती विच लोगों ने हाजरी भर के भगवती गुणगान सुनिया। शिवालय लक्ष्मणसर विखे भगवती जागरण किया गया। लोगों ने हाजरी भर के भगवती नाम गुणगान किया अते महारानी का आशीर्वाद प्राप्त किया। शिवाला किला पंगिया विखे भगवती जागरण किया गया। प्रसिद्ध जागरण मंडलियां ने भगवती गुणगान किया। कई लोगों ने हाजरी भरी। नवरात्र के मौके पर शिवाला बागपाइया विखे भगवती जागरण किया गया। प्रसिद्ध जागरण मंडलियां ने भगवती गुणगान किया। सुरेश सूद, बलदेव राज बग्गा, सुरेश महाजन, संजय अरोड़ा, विजय रोली, अश्विनी शर्मा, रामपाल चतुर्थवी मौजूद सन। डेरा नवशक्ति वालों जामुनवाली रोड विखे भगवती जागरण प्रमोद मेहरा की अगवाई हेठ किया गया। प्रेम शर्मा, पंकज शर्मा, अमित शर्मा ने भगवती गुणगान किया। रामनवमी नु भंडारा होवेगा। नवरात्र के मौके पर मंदिर माता आरती देवा जी करतार नगर छियाटा विखे माता आरती देवा जी के सानिध्य में भगवती संकीर्तन किया गया। कई लोगों ने हाजरी भरी। श्री श्री 1008 निर्मले संत हर सिंह जी महाराज बाबा पोड़े वाले जी के दरबार छियाटा विखे नवरात्रियों के संबंध में संत विशाल जी वालों रोजाना 3 to 5 बजे तक श्री दुर्गा स्तुति के पाठ और 7 to 9 बजे तक माँ भगवती के संकीर्तन किए जा रहे हैं। इस मौके चेयरमैन अशोक कुमार बेदी, प्रधान दीपक बहल, संदीप रामपाल, अमर रामपाल, ध्यान प्रकाश जी महाराज समेत वड्डी गिनती विच संगता पहुँच के हाजरियां पा रही हैं। अष्टमी वाले दिन हवन यज्ञ उपरंत भंडारा होवेगा। गोपाल मंदिर मजीठा रोड विखे भगवती जागरण किया गया। प्रसिद्ध जागरण मंडलियां ने भगवती गुणगान किया। कई लोगों ने हाजरी भरी। माँ दुर्गा मंदिर आजाद रोड कोट खालसा विखे हर साल की तरह इस बार भी नवरात्रा के संबंध में माँ चिंतपुर्णी सेवा परिवार वालों रोजाना 5 to 7 बजे तक दुर्गा स्तुति के पाठ और 8 to 11 बजे तक संकीर्तन किए जा रहे हैं। प्रसिद्ध गायक डॉक्टर अश्विनी मन्नर माँ भगवती का गुणगान कर रहे हैं। इस मौके विजय कुमार, रमेश कुमार, हीरा लाल, रविंदर रैकी, महंत बलवंत जी समेत वड्डी गिनती विच संगतां हाजरियां पा रही हैं। रघुनाथ मंदिर बटाला रोड विखे भगवती जागरण किया गया। प्रसिद्ध जागरण मंडलियां ने भगवती गुणगान किया। कई लोगों ने हाजरी भरी। आखिर विच मुख खबरां एक बार फिर तो श्रोमणी अकाली दल के प्रधान सुखबीर सिंह बादल अते सांसद हरसिमरत कौर बादल सचखंड श्री हरिमंदर साहिब विखे हुए नतमस्तक। गुरुद्वारा शहीदां साहिब दे नेड़े 60 करोड़ रुपए की लागत नाल बनन वाले स्काई वॉक प्रोजेक्ट का स्थानक सरकार बारे मंत्री डॉक्टर इंद्रबीर सिंह नेचर ने रखा नींव पत्थर। पेंडू विकास मंत्री कुलदीप सिंह तालीवाल ने अजनाला विच विकास कार्यों का किया शुभारंभ। ये सन अज दियां खबरां। असी अगले बुलेटिन विच फिर मिलांगे। हुण मैनूं दिओ इजाजत। धन्नवाद।